जय हिंद, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेज फॉर रनर्स, जिस यानी जो रनर्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं या फिर जो बहाली में जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी पुलिस बहाली होती है, पुलिस भर्ती होती है दोस्तों, उसमें रनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन रनिंग में फेल हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में बिहार पुलिस SI का फाइनल रिजल्ट आया दोस्तों, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिटर्न में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए लेकिन उन वो जो है दोस्तों रनिंग में यानी PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों उनके लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 5 चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेज, जिसको यानी बहुत ही कम खर्च में आप प्रोटीन के पूरे इंटेक सोर्स जो है वो अचीव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो प्रोटीन सोर्स है दोस्तों वो एग। आप लोगों को पता होगा दोस्तों एग जो है बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। हालांकि जो वेजिटेरियन है दोस्तों उनके लिए क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। एग जो है बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। अगर बात करें दोस्तों एग की तो इसमें जिंक, पोटेशियम, आयरन हर चीज़ बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग को कैसे यूज करना है तो डेली आप लोगों को 3 एग डेली आपको यूज़ करना है दोस्तों, जिसमें 18 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों दूसरे प्रोटीन सोर्स के इधर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरे प्रोटीन सोर्स की अगर बात करें तो दूसरा प्रोटीन सोर्स है दोस्तों मूंग दाल, जिसमें मूंग दाल आपको 50 ग्राम डेली लेना है और उसे बनाकर यानी पकाकर आपको खाना है दोस्तों, जिससे आपको 12 से 14 ग्राम प्रोटीन जो है दोस्तों प्रोटीन सोर्सेस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा है मूंग दाल दोस्तों, आप इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च में यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर तीसरे प्रोटीन सोर्सेस की बात करें दोस्तों तो सोयाबीन, जिसको सबसे चीपेस्ट अगर बात करें तो सबसे चीपेस्ट सोयाबीन बड़ी होती है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने यूज़ किया होगा, आप लोग यहाँ फोटो में भी देख सकते हो। सोयाबीन बड़ी जो है दोस्तों आपको 50 ग्राम लेना है, जो 5 से 10 रुपये के अंदर ही आपको मिल जाएगा और इसे आप लोग यूज कर सकते हो, पका कर इसे खा सकते हो दोस्तों, जिसमें आपको 20 से 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स जो है वो है मिल्क, जिसमें दूध जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स। आप लोगों को पता होगा दोस्तों आप लोगों को डेली सिर्फ 250 ग्राम दूध जो है वो यूज़ करना। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बहुत ज़्यादा दूध यूज करते हैं, हाफ हाफ केजी तक, हाफ हाफ लीटर तक जो है दोस्तों वो दूध पीते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन आप मिनिमम जो है दोस्तों वो 250 ग्राम दूध यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 से 27 ग्राम जो है वो प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मूंगफली। जी दोस्तों आप लोग मूंगफली देखे होंगे, खाए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा दोस्तों मूंगफली भी प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। आपको डेली सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम मूंगफली यूज करना है दोस्तों। मूंगफली के दाने आप लोग देख सकते हो फोटो में, आपको सिर्फ 50 ग्राम यूज करना है, जिसमें आपको 12 से 15 ग्राम जो है वो प्रोटीन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को मैंने ये 5 चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेज बताए हैं, जो बहुत ही अच्छा और हर कोई इसे फॉलो कर सकता है दोस्तों, चाहे वो पैसे वाले हो या ना हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी इसे फॉलो कर सकता है और प्रोटीन की अच्छी सोर्स जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो जो रनर है दोस्तों, अभी बहुत सारी बहाली आ रही है, अग्निवीर की भी बहाली चल रही है दोस्तों, आर्मी की, तो उन सभी में जो शामिल हो रहे हैं दोस्तों वो इन सभी प्रोटीन सोर्सेज को यूज करें दोस्तों, और आपको बहुत ही लाभ पहुँचेगा आपकी स्टेमिना इंक्रीज करने में और आपकी जो रनिंग क्षमता है उसे भी बढ़ाने में। और दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि अगर जो एग यूज़ नहीं करते, यानी जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज यूज नहीं करते हैं, वो एग को छोड़ भी सकते हैं। अगर आप एग को छोड़ भी देते हो फिर भी आपको जो है वो 65 से 80 ग्राम जो है वो प्रोटीन सोर्सेस प्राप्त हो जाएंगे इन सभी वेजिटेरियन चीज़ों से। तो ज़रूर यूज करें इन सभी चीज़ों को दोस्तों और लाभ लें। ओके दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। आगे के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।